जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लोरी सुन पाते हैं, जिसके साथ में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक शीशे के सामने खड़ा हुआ था। उस बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में था। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था कि वो अपनी फेस की स्किन ही उतारने लगता है और पास ही में रखे हुए डॉल के फेस को अपने चेहरे पर लगा लेता है, और तभी से उस बच्चे का नाम बेबी फेस पड़ जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम टेलर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में मूवी देख रहा होता है। उस मूवी का नाम हिल रन रेड होता है, लेकिन ये मूवी जब पब्लिक हुई थी तो कई सारे लोग इसे देखकर पागल हो गए थे, क्योंकि इस फिल्म में रियल किलिंग्स दिखाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। इस मूवी में इतना ज़्यादा टॉर्चर दिखाया गया था जो कि नॉर्मल इंसान के देखने के योग्य नहीं था। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मूवी को बैन कर दिया था, और अब सिर्फ इसका ट्रेलर ही था जो कि पब्लिक होकर रखा हुआ था। इस मूवी के रिलीज़ के कुछ दिन बाद विल्सन नाम का जो इसका डायरेक्टर था, वो भी एक दिन अचानक गायब हो गया था और किसी को नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। टायलर ऐसी मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसे किसी भी हाल में हिल्स रन रेड मूवी देखनी थी। वो इस विचार में इतना खोया होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सेरिना को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। उसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर टायलर अपने फ्रेंड लालो के साथ एक सिनेमा हॉल में होता है, और वहाँ पर वो इसे इस भयानक मूवी के बारे में बताता है, लेकिन लालो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और टायलर से कहता है कि वो एक मूवी के पीछे इतना परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा करके वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। यहीं हमें उस मूवी के डायरेक्टर के गायब होने से पहले की क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें वो इस भयानक मूवी के बारे में बता रहा था। उसके बाद हम टायलर और लालो को उनके घर में देखते हैं, जहाँ पर टायलर ने ऑनलाइन रिसर्च करी थी और उसने पता लगाया था कि उस डायरेक्टर की एक बेटी भी है जिसका नाम एलेक्सा है, और एलेक्सा एक नाइट क्लब में काम किया करती थी। ये जान के वो बहुत ही खुश होता है और एलेक्सा से मिलने के लिए उस नाइट क्लब में जाता है, जहाँ पे एलेक्सा के सामने हिल्स रन रेड मूवी के बारे में पूछता है। ये सुन के एलेक्सा काफ़ी हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि अभी वो यहाँ पे बात नहीं कर सकती, तो वो उसे बाहर मिले, वहाँ पे वो उसे बात करेगी। इधर हम सेरिना को देखते हैं जो कि टाइलर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ना तो वो उसे टाइम देता था और ना ही वो उसे सेटिस्फाई कर पाता था। इसीलिए वो लालो के पास आके उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। उसके बाद रात में हम उन दोनों को एलेक्सा के घर में देखते हैं, जहाँ एलेक्सा टायलर को सेक्सुअली सिड्यूस करने लगती है, लेकिन वो उसके साथ वो नहीं करना चाहता था, बल्कि वो सिर्फ उससे उसकी मूवी के बारे में पूछना चाहता था। एलेक्सा उसे उस मूवी के बारे में नहीं बता रही थी, लेकिन टायलर जब उसे ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो वो उसे बताती है कि शायद उस मूवी की एक कॉपी उसके डैड के घर में मिलेगी, जो कि सिटी से काफ़ी दूर एक जंगल में है। ये सुनकर टायलर खुश हो जाता है और वो एलेक्सा से कहता है कि वो उसे वहाँ पर ले चले, और एलेक्सा उसकी बात मान लेती है, और अगली सुबह वो सभी तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। जब वो सभी रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पे एलेक्सा को एक छोटी डॉल दिखाई देती है जिसका सर कटा हुआ था, और तभी वो अपने पीछे बेबी फेस को नोटिस करती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और टाइलर यहाँ आकर उसे संभालता है। उसके बाद ये सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, क्योंकि वही पेट्रोल पंप था जो कि उस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था। टायलर उस पेट्रोल पंप को पहचान लेता है और बहुत ही खुश हो जाता है, और वो लोकल से उस मूवी के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है जो कि उन्हें बताती है कि उस मूवी में जितना भी ब्लड दिखाया गया है वो एकदम रियल ब्लड था, और वो एलेक्सा को भी पहचान लेती है क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसका पिता उसे वहाँ पर लेकर आया करता था। तभी वहाँ पे सनी नाम का एक आदमी आता है जो कि टायलर को मूवी के बारे में बताने लगता है, लेकिन टायलर को लगता है कि शायद वो पागल है जो कि बेतुकी बातें कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी जंगल में जाते हैं, जहाँ पे आगे का सफ़र वो पैदल ही तय करते हैं, और यहाँ पे लालो सेफ्टी के लिए अपने साथ एक गन भी लाया हुआ था ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन उससे कर सके। थोड़ा आगे चलने पर एलेक्सा के पैरों के नीचे एक ट्रैप आ जाता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है, और टायलर जब वहाँ आसपास देखता है तो उसे वहाँ पर मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन याद आता है, जिसमें एक लेडी को कुछ ट्रीज में फंसा कर एक ट्रैप बनाया गया था, जिसके बाद बेबी फेस उस ट्रैप में लगी रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से उस लेडी की बॉडी बीच में से फट जाती है और बहुत ही बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। टायलर ये बात समझ गया था कि मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी और वो उस मूवी के और करीब आता जा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जिसकी वजह से वो जंगल में ही टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं, जहाँ टायलर अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, और वहीं वो एक रिकॉर्डिंग में बेबी फेस को नोटिस करता है। वो उसे ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलेक्सा आ जाती है, और टायलर अपने कैमरा से एलेक्सा का इंटरव्यू लेने लगता है, जिसमें वो उसे बताती है कि दरअसल बेबी फेस की जो माँ थी उसका शोषण हुआ था, जिसे कुछ महीने बाद उसने बेबी फेस को जन्म दिया था। बचपन से ही बेबी फेस का दिमाग बाकी बच्चों से अलग था, और इसी कारण से उसने मूवी के स्टार्टिंग में ही अपने फेस को काट दिया था। ये बात जानकर टायलर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और उसके बाद हम टायलर और एलेक्सा को नज़दीक आता हुआ देख पाते हैं, जहाँ एलेक्सा टायलर को किस करती है, और तभी टायलर को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, और किसी के वो चलने की आवाज़ सुन पाता है, और तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। और दोस्तों, ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जो कि पेट्रोल पंप पे उन्हें मिले थे, और ये सभी यहाँ पे लड़कियों को देखकर उन्हें किडनैप करके उनका शोषण करने आए थे।
वो सभी उनको एक रस्सी से बांध देते हैं और यहाँ उन्हें वो गन भी मिलती है जिसे लालू अपने साथ लेकर आया था। वो लोग एलेक्सा को अपने साथ ले जाते हैं और उसका शोषण करने लग जाते हैं, पर तभी उनके पीछे से एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है जो कि एक बंदे के शरीर के आर पार हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे बेबी फेस आ गया है जो कि उन सब में से एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालता है, जिसके बाद वो एलेक्सा को भी पकड़ लेता है। लेकिन एलेक्सा यहाँ बेबी फेस को एक लोरी सुनाने लगती है जिसे सुन के वो शांत हो जाता है और मौका पाते ही वो वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन बेबी फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे पकड़ने के लिए जाता है। इधर सभी फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल से खुद को आज़ाद कर लेते हैं, जिसके बाद टाइलर उन सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए वो सबसे कहता है कि वो मदद बुलाएं और वो एलेक्सा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर तक उसे ढूंढने पर उसे एक अबैंडेंड घर नज़र आता है और उसे लगता है कि शायद एलेक्सा उसके अंदर होगी, तो वो उस घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हम सेरिना और लालो को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ सेरिना पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद पुलिस उनकी लोकेशन मांगती है। लेकिन सेरिना को वो लोकेशन पता नहीं थी, इसीलिए वो पुलिस को लोकेशन नहीं बता पाती। तभी लालो वहाँ किसी के फुटस्टेप की आवाज़ सुनता है और ये सुनकर वो सेरिना को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। इधर टाइलर उसी घर में होता है जो कि एलेक्सा को ढूंढ रहा था। जब वो कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारी रील्स मिलती हैं, जिसमें से एक रील में एलेक्सा और टाइलर की क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब उस आवाज़ के पीछे जाता है तो उसे एलेक्सा मिल जाती है जिसे उस कातिल ने एक बेड पर निवस्त्र करके बांध रखा था। ये देखकर वो उसे तुरंत वहाँ से छुड़ाता है और उसे आज़ाद करता है। इधर सेरिना और लालो के सामने बेबी फेस आ जाता है, जहाँ वो लालो को एक गन से शूट करके बेहोश कर देता है और उसके बाद वो सेरिना के पास जाता है उसे पकड़ने के लिए। सेरिना भी भागते हुए उसी घर तक पहुँच जाती है जहाँ वो चेयर पर बैठे किसी इंसान को देखती है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो आदमी पहले ही मरा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भी भागने लगती है। तभी वो टाइलर से जा टकराती है और वो तीनों मिल जाते हैं। अब बेबी फेस उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है जो कि टाइलर को बहुत मारता है और एलेक्सा को भी पकड़ लेता है। लेकिन वो यहाँ पर दोबारा से चाल चलती है और बेबी फेस पर अपना कंट्रोल ले आती है और बेबी फेस को सेरिना के पीछे जाने को बोलती है, जहाँ वो उसकी बात मानते हुए सेरिना को मारने चला जाता है। और एलेक्सा एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए टाइलर की तरफ बढ़ती है। इधर सेरिना एक फार्म हाउस तक पहुँचती है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहीं पे उसे कई सारे इंसान के ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए खून से भरे हुए एक ड्रम में जा छुपती है। तभी बेबी फेस उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि सेरिना को बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके बाद वो थक हार के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेरिना उस ड्रम से बाहर निकलती है, जहाँ उसे लगता है कि बेबी फेस चला गया है, तो वो बाहर निकलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि बेबी फेस वहाँ से गया ही नहीं था, बल्कि वो रूफ पे खड़ा होता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ के वो अपने साथ ले जाने लगता है। इधर टाइलर जब होश में आता है तो वो अपने सामने बहुत सारी मूवीज़ की टेप्स को देखता है, जिसमें से एक टेप हिल्स रन रेड मूवी की भी होती है। तभी वहाँ पे उस मूवी का डायरेक्टर विल्सन भी आ जाता है, जिसे देखकर टाइलर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। वो डायरेक्टर टाइलर के सामने एक टेप को प्ले करके दिखाता है, जिसमें एक पर्सन बेबी फेस की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छे से ना करने की वजह से विल्सन उस पर नाराज़ हो गया था, इसीलिए वो उसे दिखाने के लिए खुद बेबी फेस का मास्क पहनता है और सच्ची में उस एक्टर को जान से मार डालता है। और ये वारदात दूर खड़ी छोटी एलेक्सा देख रही होती है, यानी कि वो बात जानती थी कि उसके पिता एक मर्डरर हैं और वो मूवी बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसके बाद वो टाइलर को बताता है कि दरअसल बेबी फेस की मदर कोई और नहीं बल्कि एलेक्सा ही है और 13 साल की उम्र में उसने बेबी फेस को जन्म दिया था। ये सारी बातें बताने के दौरान वो टाइलर को एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिसमें टाइलर एलेक्सा को नेकेड देख रहा होता है और खुद को प्लेजर दे रहा था, यानी कि वो डायरेक्टर उस पर नज़र बनाए हुए था और जो भी वो गतिविधि कर रहा था वो उसे रिकॉर्ड करता आया था। उसके बाद हम दूसरी तरफ एलेक्सा को देख पाते हैं, जहाँ पे वो लालो के साथ हिल रन रेड मूवी की शूटिंग कर रही होती है, जिसमें वो उसको एक रियल टॉर्चर देती है ताकि वो उस मूवी में रियल इमोशंस को कैद कर सके। उसके बाद वो बेबी फेस से कहती है कि वो सेरिना को यहाँ से ले जाए और बेबी फेस उसकी बात मान के उसे एक बुचरिंग रूम में ले जाता है, जहाँ पे लाके वो उसका शोषण करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से विल्सन अपने साथ टाइलर को लेकर आता है और ये देखकर वो एलेक्सा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इस मूवी को बनाने का कोई भी हक नहीं है और इस मूवी का डायरेक्टर बस एक ही है जो कि वो है। ये सुन के एलेक्सा को गुस्सा आता है और वो उसकी बात नहीं मानती और लालो को टॉर्चर करती रहती है, जिससे उसका पिता गुस्सा हो जाता है। विल्सन बेबी फेस को आवाज़ लगाता है और लालो को मारने के लिए बोलता है, लेकिन एलेक्सा यहाँ बेबी फेस को ऐसा नहीं करने के लिए कहती है और उसके बाद वो खुद ही लालो को जान से मार डालती है,
जिसके बाद वो विल्सन पे गुस्सा होने लगती है और उसे बेबी फेस का रियल चेहरा दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था, और उसे कहती है कि इन सब का कारण सिर्फ वही है। विल्सन सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में आकर वो एलेक्सा को शूट कर देता है। तभी पीछे से मौका देखकर सेरिना खुद को आज़ाद कर लेती है, और इधर बेबी फेस अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत विल्सन पे हमला कर उसे भी जान से मार डालता है। उसके बाद वो टाइलर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से सेरिना एक रॉड उसके शरीर के आर पार कर देती है जिससे कि बेबी फेस वहीं पर मर जाता है। अब टाइलर और सेरिना जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो एलेक्सा उठती है और वो सेरिना को पीट कर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो टाइलर को भी पीटती है और वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब टाइलर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को लाशों से भरा एक सिनेमा हॉल में देखता है, और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि उस मूवी के शूटिंग के दौरान मारे गए लोगों की होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी एलेक्सा वहाँ पर आती है और सामने लगे हुए पर्दे पर वो हिल रन रेड मूवी प्ले करती है, जिसे पूरा देखने के बाद टाइलर पागल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। कभी वो हंसता है और कभी वो रोता है, और उस मूवी में जो डिस्टर्बिंग सीन दिखाए गए थे वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था, इसीलिए टाइलर उसे देखकर अपना आपा खो चुका था क्योंकि उस मूवी में रियल टॉर्चर दिखाया गया था। उसके बाद हम सेरिना को एक बेड पर बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पे एलेक्सा भी आ जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। उसके बाद वो सेरिना के पेट के आगे आके लोरी सुनाने लगती है, जिससे हम जान पाते हैं कि सेरिना प्रेग्नेंट है और बच्चा किसी और का नहीं बल्कि बेबी फेस का था, और इसी लोरी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, यानी कि सेरिना बेबी फेस को दोबारा से जन्म देगी और एलेक्सा उसका ख्याल रखेगी और वो बेबी फेस के बच्चे को दोबारा से बेबी फेस बनाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।